बम 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 बोले, पार्वती के संग 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 बोले, कावड़िया ले रे रंग 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 बोले। तो हमें एक भोला दिखाई दिया जो अपनी छोटी छोटी बेटी को यात्रा करा रहे हैं। तो सामने ये बोला, ये देखो, मिलाते हैं आपको भोले से, बात करते हैं छोटी छोटी भोलियों से। बोले जय भोले की, जय भोले की। बोले क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, और ये छोटे छोटे भोले हैं भोलिया है? दोनों भोली है। दोनों भोली है। अच्छा, इस सबसे छोटी भोली कौन सी है? विधि। ये बोले क्या नाम है आपका? विधि नाम है। तो ये भोली की उम्र कितनी है? बोले 3 साल। 3 साल है। और ये दूसरी भोली जो है? ज्योति। ज्योति, यानी कि दोनों ही लड़कियां हैं। तो ये देखो सबसे अच्छी बात है बोले कि देखो, बेटे के तो चाह सब रखते हैं, लेकिन दो बेटियों के साथ यात्रा करना ये एक अलग बात है। मतलब मेरे को अंदर से ना बहुत मुझे खुशी हुई कि हाँ, कोई तो अपनी बेटियों के लिए कर रहा है। नहीं, सब तो सोचते हैं बेटे बेटे बेटे, हालांकि बेटे ही सब कुछ नहीं होते, बेटियाँ ही बहुत कुछ होती है। मेरी भी एक बेटी है, मैं उसी से इंस्पायर हूँ। तो बोले कहाँ जाओगे आप? मोदीनगर। मोदीनगर जाएंगे। तो बोले मोदीनगर जाएंगे, है तो हमारे लोकल गई। तो बोले कब चले थे हरिद्वार से? 17 तारीख। 17 तारीख में चले थे। तो दोनों बेटियों को लेके साथ लेके चलना, कांवड़ यात्रा करना, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्व महसूस करते हो अपनी बेटियों पे? कितना गर्व महसूस करते हो? जो यहाँ भोले खड़े हैं, जो अपनी बेटियों पे गर्व महसूस करते हैं, बोल शंकर भगवान की। अगर आपकी भी बेटी है तो उन बेटियों के लिए एक लाइक जरूर करें। दोनों, ये 3 साल की है और ये 5 साल की भोली है। और साथ में कितने मेंबर चल रहे हैं? बोले छह मेंबर चल रहे हैं। और कांवड़ भी है और साथ में क्या? कांवड़ कलश है। सब कलश है। कितने कलश साथ में चल रहे हैं? मतलब 8 कलश है। ये भी अच्छी बात है कि अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है बच्चों को या भोले को, तो साथ में कोई ना कोई होना चाहिए। तो ये बोले, तो अब भोलों से बात करेंगे। बोले इन बेटियों को देख के कैसा लग रहा है आप लोगों को? सही सच बताना, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना। अब बेटी भी होनी जरूरी है ना, एक बेटी एक लाइक बेटियों के नाम। तो बोल शंकर भगवान की। बोले हम कामना करते हैं कि आपकी यात्रा सफल हो, जो आपका मन में जो भी आपने मांगा हो भोलेनाथ आपको वो दे, आपकी मनोकामना पूरी करे। तो इसी के साथ बोल शंकर भगवान की। भोले की उंगली दब गई है हैंडपम्प में और बहुत दर्द है, बच्चा है। बोलिए बता रहे दर्द हो रहा है? साथियों,
आज हमारी यात्रा का है ये 10वां दिन। हमारी यात्रा शुरू हुई थी हरिद्वार से मुरादनगर गाजियाबाद के लिए, और अपनी इस यात्रा में हम कल पहुंच गए थे प्रतापपुर, जो कि मेरठ के पास है, यानी कि मेरठ से पहले ही पड़ता है। सुबह उठ के हम नहा धो के पूजा वूजा हमने कर ली है, अब हम अपनी इस यात्रा पे चलेंगे आगे की तरफ। आज हमारा जो स्टे होगा वो होगा मोदीनगर के आसपास या मोदीनगर में, पर फिलहाल आज धूप नहीं है, थोड़ी राहत है, शरीर में फीवर हो गया। कल तो इतनी तबीयत ख़राब थी कि पता नहीं लगा कब सो गया कब नहीं सोया। तो फिलहाल अभी अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब चल रहे हैं हम मोदीनगर की तरफ। एक कावड़ और ये रखी है, अभी भोले आराम कर रहे होंगे। भोलों को पीछे से शील्ड भी मिली है, साइड में गंगा जल रखा है, अंदर भोले बाबा बैठे हैं। ये देखो बोल शंकर भगवान की जय। अच्छी है ये कावड़, बहुत अच्छी कावड़ है, छोटी छोटी पिंडियाँ लगा के रखी हैं शिव जी की महाराज जी की, और थर्माकोल पे है सारा, ये सारा जो डिजाइन है जितना भी बना हुआ है थर्माकोल पे है। रात को ये बहुत और अच्छी लगेगी, क्योंकि रात में इसमें लाइट्स वगैरह जल जाती है, तो और साथ में डीजे भी है, तो फिर क्या कहने, जब डीजे साथ में हो और कांवड़ चल रही हो तो रिदम अपने आप बनता है। और ये देखो अपने उत्तर प्रदेश में, मतलब अभी तो हम मेरठ ज़िले में हैं, पर भंडारे देखो भाई साहब कितने बड़े बड़े भंडारे लगते हैं। पेट्रोल पम्प पे है, पेट्रोल पम्प पे भंडारा लगा दिया। सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था, पीने का भोलों के लिए पानी है, और इधर भोलों के लिए नाश्ता वगैरह सब बन रहा है, बिरयानी पकौड़े वगैरह। हलवाई भोले से पूछते हैं नाश्ते में क्या बना रहे हैं भोले के लिए, बोले आज क्या दे रहे हो नाश्ते में, तो आज भोले के लिए बन रहा है बिरयानी पकौड़ा और चाय है बोले, तो बहुत सेवा की जा रही है भोलों की। तो भगवान इनकी मनोकामना जरूर पूरा करे, महादेव इन पर कृपा करे। तो बोल शंकर भगवान की। कढ़ाई देखो भाई साहब, कढ़ाइयाँ देख रहे हो, लगी बढ़िया कढ़ाइयाँ, सेवा ज़बरदस्त की जा रही है। और इधर भाई बोले लग रहे हैं प्रसाद देने में सबको, इधर लाइन लगी हुई है, देखो लाइन, देखो लाइन में ही लग रहा चाहिए, गरम गरम चाय और पकौड़ों का प्रसाद है। तो ये सेवा आपको यहाँ अब हर जगह मिलेगी। पीछे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप फिलहाल बंद कर दिया गया है क्योंकि सेवा में लग गया है पेट्रोल पंप भी, और उधर विश्राम की व्यवस्था है सारे भोलों के लिए, सब विश्राम करेंगे, उधर भी विश्राम के लिए बना के रखिएगा। और मतलब यहाँ पे आराम से करीब करीब 200-400 भोले तो आराम से यहाँ विश्राम कर सकते हैं, ठहर सकते हैं। और इधर ना भोलों को नहाने की व्यवस्था है, देखो भोले इस तरह से नहाते हैं, अगर जल यहाँ मिल जाए तो ठीक, नहीं तो फिर कहीं हैडपम्प मिल जाए, कहीं पानी भरा मिल जाए, भोले जो इस तरह से नहाते हैं, जय भोले की। और भोले जा रहे हैं नहाने, तो बोल शंकर भगवान की जय। फिलहाल बोले ये भंडारे ना आपको यहाँ पर जगह जगह पर मिलेंगे, तो जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी कमेटी एक बना ली जाती है, जैसे भी वो करते हैं, पर लेकिन दिल खोल के पैसे खर्च करते हैं भाई साहब, जितना हो सकता है उससे भी ज़्यादा कर देते हैं भोलेनाथ की सेवा में भोलों के लिए। वो शंकर भगवान की जय।
बोले हमारी इस कावड़ यात्रा में फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मोहद्दीनपुर, प्रतापपुर पीछे रह गया है। मोहद्दीनपुर फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मील है, देख लो सामने जो दिख रही है ये मील है, ये गन्ना मील है, यहाँ से शुगर वगैरह बनती है। मोहद्दीनपुर इसलिए ज़्यादा फेमस है। और यहाँ से मोहद्दीनपुर से एक रास्ता, वो सामने आपको एक लोहे का ब्रिज दिख रहा होगा क्रॉस करने का, यहाँ से एक रास्ता कटता है, तो यहाँ से कनेक्टिविटी है। बागपत भी आप यहाँ से जा सकते हैं, उधर दिल्ली भी निकल सकते हैं, हरियाणा भी निकल सकते हैं, और मेरठ भी उस साइड भी कुछ हिस्सा मेरठ का भी आता है उस साइड में, और ये ज़िला भी मोहद्दीनपुर भी मेरठ में ही आता है। यहाँ के स्थानीय लोग भोलों की सेवा में लगे हुए हैं, ये देखो। और कल वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था डाक कावड़, फिलहाल डाक कावड़ शुरू हो चुकी हैं, अभी इक्का दुक्का आ रही हैं, क्योंकि डाक कावड़ में रुकना तो होता नहीं है, उसमें केवल कंटिन्यू जल चलता रहता है। उससे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, ये एक पालकी, ये भी बहुत अच्छी पालकी है, हरिद्वार से नोएडा सरफाबाद सेक्टर 73, तो ये जाएंगे सरफाबाद। फिलहाल चलते चलते फिर एक बार रुक इसलिए गए हैं, सामने जो आप पालकी देख रहे हो महादेव की, ये है नोएडा सरफाबाद की, हरिद्वार से चले हैं और नोएडा जाएंगे सरफाबाद जो पड़ता है सेक्टर 73 में, और ये तो हमारा खैर जानने वाला गांव है, तो ये सारे भोले भाई हैं, ये लेके आ रहे हैं, बोल शंकर भगवान की। तो बोले कब चले थे हरिद्वार से? चले थे बोले 24 तारीख की शाम को चले थे। और बोले एक दिन में कितना चल लेते हैं आप? एक दिन में 25 से 30 किलोमीटर चल रहे हैं। अच्छा, एक दिन में 25 से 30 किलोमीटर चल लेते हैं। अगर ज़्यादा टाइम लग जाए तो फिर हमें अगले दिन ज़्यादा भी चलना पड़ जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है क्योंकि पाल के साथ में लोग मेरे ख्याल से भीड़ हो जाती होगी जब निकलती होगी, है ना? तो ये तो अच्छी बात है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, आपकी टीम में कितने बंदे बताए आपने? हमारी टीम में है 12-13 बंदे हैं। और इसकी लंबाई अगर मैं जानना चाहूँ पालकी की, तो कितनी है? 20 से 22 फुट है। और चौड़ाई 8 फुट है इसकी, चौड़ाई 8 फुट है, 10 क्विंटल वजन है। अच्छी है आपकी पालकी, बहुत सुंदर है, वो तो बता ही रहे हैं कि आपको देखो अवार्ड रिसील्ड कितनी सारी मिली हुई है और कुछ अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। तो बोले इसको बनाने में आपकी पूरी मतलब यूनियन है, पूरी टीम है ना, टीम है ना पूरी, तो सबका सहयोग हुआ होगा, थोड़ा किसी ने थोड़ा किसी ने ज़्यादा, फिर भी एक मोटा मोटा अगर मैं खर्चा माना 5 लाख से प्लस अब तक वो सब कुछ चलने पलने डीजे वीजे सबका, वो सामने उनका डीजे खड़ा हुआ है, उसका भी अभी दिखाऊंगा, पूरा सेटअप दिखाऊंगा, झांकी भी है इसमें। अच्छा, ये भी एक अच्छी बात है कि मतलब पालके के साथ साथ झांकी भी है, जो एक और आकर्षण का केंद्र बन जाती है। तो ये सारे बोले हैं साथ में, ये देखो ये मेहनत करते हुए ला रहे हैं, बोल शंकर भगवान की जय। तो बोले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, भगवान महादेव आपकी मनोकामना पूरी करे, आपकी जो इच्छा है पूरी करे, जाको ब्याह ना हो रहा हो आपको ब्याह करवा दे। तो फिलहाल इन बोलों का सेटअप दिखाते हैं डीजे का, ये सामने खड़ा है ट्रैक्टर और ट्रोला, भाई साहब बहुत चौड़ा है, पूरा लेके आ रखे हैं। खैर नोएडा वाले तो होते ही ऐसे हैं भाई साहब, दिल खोल के खर्च करते हैं नोएडा वाले। ये देखो कितना तगड़ा सेटअप लगा रखा है, और ये रात को बसता होगा तो धुआं ठहाता होगा, सच्ची बात है। और रात को ना देखने वाला सीन बनता है भाई साहब, झांकियाँ यहाँ पे होती हैं, उनका जो डांस होता है उसको नृत्य बोल सकते हैं, झांकियों का नृत्य बिना भीड़ लग जाती है चारों तरफ देखने वालों की। मेरे ख्याल से जहाँ 10 मिनट का सफ़र होगा ना, वो 2 घंटे में पूरा होता होगा, है ना बोले? देखो बिल्कुल ऐसा ही होता है, हमारी इस यात्रा में ऐसी ऐसी पालकी हमने आपको दिखाई, खूब दिखाई। अगर ये हमें रात को कहीं मिल गए तो रात को जरूर दिखाऊंगा, फिर देखना कितना और तगड़ा वो दिखाई देगा। देखो भाई साहब, बोले कावड़ दे दो, काफी कावड़ आ रही है, देखो सामने सकल, देखो भाई साहब Yeah.
डोला देखो कितना बड़ा है भाई साहब, देख रहे हो डोला देखो कितना बड़ा है। और बाकी तो कोलम रखी हुई है, अभी लगाई भी नहीं है उन्होंने। एक ट्रैक्टर ट्रोला साथ में ही है, पूरा मजा ले रहे हुक्के का। बोल शंकर भगवान की, भाई जय नहीं बोल रहे तब। एक प्यारी सी पालकी साथ में ये भी है, बहुत आराम से प्यार से लेते हैं भोलेनाथ को लेके जाते हुए। बोले बोली कहाँ से आ रही हो, मोदीनगर जाओगी? ये छोटी सी बोली है। बोली नाम क्या है बेटा, क्या नाम है? खुशी। खुशी नाम है बोली का। साथ में कौन है, कहाँ है पापा? पापा थोड़े आगे चले गए हैं बोली के, और बोली जा रही है। तो बोली जल्दी पहुँचो, ये देखो बोली बेटी है, छोटी सी बोली है, और अपनी श्रद्धा के अनुसार कावड़ लेके जा रही है, झूला कावड़। माँ शेरा वाली की कावड़ है। बहुत अच्छी कावड़ है, बहुत सुंदर कावड़ है। देखो डीजे का सेटअप, देखो भाई साहब डीजे का सेटअप, देखो डीजे का। देखो पूरा, देखो तामझाम कैसे लगाना पड़ता है पूरा, कितने सारे एम्प लग रहे हैं, और जनरेटर है साथ में एक, अरे एक दो दो जनरेटर हैं, देख रहे हो। कुछ डीजे कावड़ छाए में लग गई है साइड में, ये देखो वो जो अभी लास्ट कावड़ मैंने आपको दिखाई थी, बहुत बड़ा सेटअप था इसका, वो जाएगी अपने गाजियाबाद चिपियाना। और इधर देखो भाई ने जनरेटर कहाँ लगा के रखा है, गाड़ी के अंदर लगाए नहीं बाहर ही लगा दिया जनरेटर। जनरेटर दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब क्या क्या तामझाम करना पड़ता है वो दिखा रहा हूँ। ये देखो जनरेटर भाई ने ना बाहर ही लगा दिया सारा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, देख रहे हो। ये ऐसे ऐसे जुगाड़ करके लाना पड़ता है, नीचे एक बेस बना रखा है, ये देखो पूरे बेस पे जनरेटर ठोक दिया है, और इतना बड़ा सेटअप है देखो आप, कोई सेटअप आसान नहीं है, बहुत बड़ा सेटअप है। शाम का समय हो चुका है बोलो, और सभी कांवड़िया भागा भाग हो गए हैं डाक कांवड़, स्पेशल डाक कांवड़, क्योंकि सबको टाइम से पहुंचना होता है। और ये देखो झांकी महादेव की, इतनी अच्छी झांकी है, ये गाजियाबाद की सीकरी कला। सो बोलो बोलो, डाक कांवड़ शुरू हो चुकी है, भागा भाग भागा भाग, जिस भी मोटरसाइकिल की आवाज़ ना ऐसे आएगी ना, समझ लेना हो डाक कार्ड के साथ की मोटरसाइकिल है। देखो एक को दिखाता हूँ मैं, बोला भाई ना जल लेके दौड़ रहा है, और पीछे से गाड़ी आ रही है, आगे कोई बैकअप के लिए बंदा खड़ा होगा, वो उनसे जल ले लेगा, ये बाइक पे बैठेंगे, उसके बाद फिर आगे जाके ये कहीं आगे जाकर रुकेंगे, तो मतलब थोड़ा थोड़ा स्टैंड करके भागते हैं। और ये बहुत सारे होते हैं, मतलब एक टोली होती है, टोली में करीब 30 40 50 लोग भी हो सकते हैं, और आइडिया नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, डिस्टेंस के हिसाब से करते हैं, और अपने सामर्थ्य के हिसाब से करते हैं। तो डिटेल में तो कल दिखाऊंगा, क्योंकि कल इस रोड पे ना बस आपको डाक ही डाक दिखेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और डाक ही डाक डीजे ऊपर लगे हुए, और भागा भाग भागा भाग। तो कल दिखाऊंगा वो डिटेल में, तो कल जो व्लॉग आने वाला है उसको मिस मत कीजिएगा।
और बोले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बोल शंकर भगवान की जय। बोलो हम पहुंच गए हैं मोदी नगर और सामने कर दिए अपनी हंडोरी पार्क, सामने खड़ी करी है। आज हम यहीं स्टे करेंगे, बराबर में कांवड़ झूल रही है और थोड़ा सा आगे नहाने वाने का भी इंतजाम है। पहले पूजा करेंगे, उसके बाद कुछ खाने के लिए बनाएंगे और उसके बाद में थोड़ा शूट करेंगे, आपको दिखाएंगे। डाक कांवड़ भी आ रही है और डीजे कांवड़ भी आ रही है और कुछ झांकियां भी आएंगी। यहाँ रोकने का मकसद यही है कि झांकियां यहाँ रुक रुक के जाती है, तो झांकियां देखेंगे आज। वो लोग खाना बनाने चले थे, एकदम से लाइट भग गई और आंधी आ गई है। देखो आंधी आ गई है, बहुत तेज हवाएं चल रही है, पेड़ देखो सामने कैसे हिल रहे हैं, देख रहे हो। बोले अगर मौसम सही हो जाएगा तो खाना बनाएंगे, नहीं तो अदरवाइज कहीं सी होटल वगैरह से खाना लेंगे, खाएंगे। फिलहाल हम पहुंच गए हैं सीकरी कला, ये पड़ता है आपका मुरादनगर और मोदी नगर बिल्कुल बीच में, और रोड पे देखो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, अंधेरे में ही हैं। और सामने मुझे लग रहा है एक होटल है, तो होटल से कुछ लेंगे खाएंगे, पर पहले इंतज़ार करेंगे मौसम सही होने का। अगर मौसम सही हो जाता है तो हम अपनी कैरावैन से ही खाना बनाएंगे, अपना खुद का ही बना खाएंगे। अगर मौसम सही नहीं होता है तो फिर होटल से ही खाएंगे, क्योंकि कारण क्या है ना गाइस, बोले कारण ये है कि यहाँ पे टार्प वार्प लगाने की जगह नहीं है, अगर हमने टार्प लगाई तो फैल जाएगा सारों चारों तरफ, और अभी रोड पे कांवड़िया ज़्यादा है तो इस वजह से हम अपनी कार वगैरह खोल ले रहे हैं। ना दिल खोलता भाई, बहुत ज़्यादा आगे करो तुम्हारे जिंदगी को, बहुत जो आगे बढ़ाओ। मैंने वीडियो देखी ना, है जब मैंने वीडियो देखी भाई, हम सारी सारी वीडियो कर लगा जब से कर दे को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ये हमारे राजेंद्र भाई हैं, बड़े भाई हमारे ही हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो और ज़्यादा ज़्यादा लाइक करो। ये भाई का प्यार है, ये भाई आए मुरादनगर से मिलने, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। माता जी साथ आई है, माता जी को नमस्कार, भाभी भी साथ आई है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए यहाँ तक, आप लोग आए, आपने प्यार दिखाया, ऐसे ही प्यार आगे बनाए रखिएगा। बोले साथियों जैसे खाना बनाने के चले, बस पूजा ही की थी, खाना बनाना था अपना, खाना तो बना नहीं, लेकिन भोलेनाथ मेहरबान हो गए हैं, आखिरकार बारिश हो ही गई। और बारिश भी हल्की फुल्की नहीं है, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। देखो पल्लियों में ना पानी भरा पड़ा है, ऊपर पल्लियों में सब पे पानी भर गया, सारे बोले देखो कैसे बैठे हुए हैं, नीचे आ तक भी पानी पानी हो रहा है। देखो बस जहाँ जिसको जगह मिल रही है पानी से बच के, मतलब बारिश से बच के साइड में बैठ गए हैं, और रोड भी देखो खाली हो गए हैं, भोले भी इक्का दुक्का ही बोला चल रहा है, बाकी डाक कावड़ डीजे कावड़ सब अभी साइड में खड़ी हो गई, क्योंकि बड़ा बड़ा सेटअप लगा होता है, पानी चला गया तो ख़राब हो जाएगा, इसी वजह से सारी डीजे कावड़ ना पीछे रुक गई हैं, अपने अपने सामान पैक, मतलब कि पल्ली वल्ली डाल ली होगी। सामने हमारी भी अंडोरी खड़ी है, हमने भी अभी पैक कर रखी है, वो सामने देखो आगे की तरफ वो खड़ी है, आगे कैमरा नहीं जाएगा, बारिश हो रही है। तो फिलहाल खाना कैसे बनेगा वो एक बड़ा टास्क हो गया है, खाना तो खाएंगे, सुबह से भूखे हैं, चलो वो भी देखा जाएगा, अभी देखते हैं बारिश कब तक बंद होती है, बारिश नहीं बंद होती तो उसके बाद क्या किया जाएगा। सो बोलो फिलहाल बारिश तो बंद हुई नहीं, तो अपनी कैरावैन भी नहीं खुली और बाहर रोड पे पानी पानी भर रहा है, कुछ जुगाड़बाजी भी करते तब भी नहीं कुछ हो पाता। तो फिलहाल एक बराबर में होटल था, तो होटल ढूंढ डांड के कुछ खाने वाने के लिए कर लिया, क्योंकि 11 के अराउंड, 11 तो नहीं बजे हैं, कितना टाइम हुआ है अभी, अभी 9:40 हुए हैं, और फिर इसके बाद में बहुत लेट हो जाएगा, भूख बहुत तेज़ लग रही है, क्योंकि पूरे दिन भागा दौड़ी और ये वो रहता है। तो फिलहाल होटल से हमने सिंपल दाल बिना लस्सर प्याज वाली और बटर रोटी ले ली है, तो आराम से खाएंगे, फिर इसके बाद में बैठेंगे एडिट करने के लिए, क्योंकि एडिट में भी 3-4 बज जाएंगे। चेहरा देखो लाइट में कितना बुरा सा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मतलब बैगर वैगर सा हो गया तो हम तो महादेव के हैं, महादेव के बैगर हैं, कोई बात नहीं, ये भी चलता है। तो फिलहाल खा लेते हैं खाना, अपना खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद जल्दी मिलते हैं आपसे।